लगा क्या? अरे लगा कम से कम उसके इसमें तो आए एक। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का डे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज पहले मैं जाऊंगा फोटोशूट कराने के लिए। बहुत टाइम से इंस्टाग्राम के लिए फोटोज़ नहीं अपलोड हुए हैं, मैंने किए थे बीच में कुछ, बट जो कंटिन्यूएशन में पहले मैं करता था एवरी डे वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, बिकॉज ब्लॉग शूट करना रहता है मुझे रोज का रोज। बिकॉज हमारे जो मेन चैनल पे वो मैं वीकली लाइक 2-3 वीडियोज पोस्ट करता था पहले, बट आजकल सुबह से लेकर शाम तक मुझे वीडियो शूट करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आजकल फ़ोटो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बट आज जिम की छुट्टी है और शाम का टाइम प्रॉपर रहता है, जब लाइक सनसेट होता है तब के टाइम पे बहुत अच्छे लाइट्स आते हैं। तो आज मेरा जिम बंद है बिकॉज महाराष्ट्र डे है, तो विश यू अ हैप्पी महाराष्ट्र डे अगर आप बिलोंग करते हो महाराष्ट्र से, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी सब जगह भी लेबर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए छुट्टी है सब जगह की। तो मैं शाम को जाऊंगा पहले फ़ोटो शूट कराने के लिए, उसके बाद बहुत अमेजिंग अपडेट आने वाला है, बिकॉज जहां पर जो भी एथलीट्स रहते हैं ना जो गन शॉट का प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां पर मुझे एक सर ने इनवाइट किया हुआ है, तो नितेश सर के साथ जाऊंगा मैं वहां पर और देखूंगा और शायद मुझे भी प्रैक्टिस करने को मिल जाए, बिकॉज मैंने कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया है। बस मैंने जो मेले में जो गन शॉट्स रहते हैं वही ट्राई किए, उससे ज़्यादा कुछ किए नहीं है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि वो भी शूट करने के लिए, तो नितेश सर ने बोला है कि 7 or 8 o'clock मुझे लेके जाएंगे, तो देखते हैं आज क्या होता है। तो इसी से डे स्टार्ट करते हैं। और आज जिम नहीं है तो मैंने मॉर्निंग कार्डियो कर लिया है, शाम को वर्कआउट नहीं है, आज छुट्टी है। तो वैसे भी कभी ना कभार अगर रेस्ट दे बॉडी को तो बॉडी अच्छे से रिकवर होती है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो चलिए आज का डे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे एक नया फोल्डर बनाना है फाइनल कट प्रो में, बिकॉज मेरा अप्रैल का मंथ हो गया है, अभी मई की नई एडिटिंग के लिए नया फोल्डर बनाता हूँ, तो वो स्टार्ट करता हूँ। और जो कल का व्लॉग शूट किया था वो भी एडिट करना है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर। गाइस मेरे लंच करने का टाइम हो गया है, तो अगेन बेक्ड वाले भिंडी, राजमा और पनीर है, साथ में राइस है। आज यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो शाम को ज़्यादा बातें करूँगा, दिन में ज़्यादा शूट नहीं करता बिकॉज ये आवाज़ के कारण वॉइस क्वालिटी ख़राब हो रही है। एनीवेज मिलता हूँ आपको लंच करने के बाद। सो गाइस पंकज आ गया है, तो पहले हम लोग जाएंगे फ़ोटो क्लिक करने के लिए इंस्टाग्राम के लिए, बिकॉज बहुत दिन से अच्छे अच्छे पोस्ट कर नहीं रहा हूँ, बहुत लेट कर रहा हूँ, तो इसलिए पहले फ़ोटो खिंचाते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। पंकज पूछ रहा था कहाँ जाएंगे, तो पंकज हम लोग जाएंगे गन शूटिंग करने के लिए। अच्छे से तेरा कैसा है, अच्छा निशाना लगाता है क्या तू? नहीं मेरा निशाना खराब है। तो आज ट्राई करेंगे, मैंने मेले में बहुत सारे बलून्स फोल्ड रखे हैं, तो आज भी देखेंगे कैसा लगता है निशाना। तो चलते हैं पहले फोटो शूट कराते हैं, उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं शूटिंग रेंज में। विला 55 शूट करने के लिए, ये मेरे फ्रेंड का कैफे है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, देख सकते हैं आप। तो गाइज मैं आ गया हूँ विला 55, ये है आपका धर्मपेड़ में, बहुत अमेजिंग प्लेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोज़ भी बहुत अच्छी आती है, तो आप लोगों भी अगर हैंग आउट करना तो ये बेस्ट प्लेस है। मेरा फ्रेंड है रोहित, वो निखिल और बल्ली, ये तीनों फ्रेंड मिलके चलाते हैं, इनका जो नया वेंचर है दैट इज़ डबलिंग, वो भी बहुत अच्छी जगह है, तो हम लोग एक बार ज़रूर जाएंगे वहाँ पर और अच्छे से वहाँ पर भी शूट करेंगे। देखेंगे बाहर बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और अभी सनसेट होने वाला है तो शायद कुछ फ़ोटोज़ अच्छी आ जाए, तो देखते हैं फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखेगा इंस्टाग्राम के पोस्ट पे। तो इंस्टाग्राम में अगर आप फॉलो नहीं करते तो ज़रूर फॉलो करिएगा, यहाँ लिंक आ रहा है, वहाँ जाके फॉलो करिए, जिससे आप मेरे रोज़ के अपडेट्स देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर से। तो गाइस मेरा शूट हो गया, अभी चलेंगे शूटिंग रेंज में, बट उसके पहले एक चीज़ कमेंट करके बताना मेरा नया शूज़ कैसा है, एक बार दिखा दीजिए। ये वाइट वाले स्नीकर्स है जो मुझे कौस्तुभ ने गिफ्ट किया हुआ था, तो थैंक्स अ लॉट कौस्तुभ जो इतना अमेजिंग शूज़ दिया, और आजकल वाइट का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, तो मिलता हूँ आपको शूटिंग रेंज। तो गाइस मैं आ गया हूँ ऑरेंज सिटी शूटिंग स्पोर्ट्स क्लब में, तो ये बहुत अमेजिंग प्रमाइसेस है, अलग अलग स्पोर्ट्स के यहाँ पर चीज़ें खेलने वाले, जूडो कराटे एंड ऑल का भी दिखा मुझे, साथ में मैं तो स्पेशली आया था शूटिंग रेंज के लिए। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे शूट होता है, और मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं शूट कर लूँ अच्छे से। तो गाइस हमारे साथ है अनिल पांडे सर, तो ये यहाँ पर कोच है जो सिखाते हैं, जिनको भी गन शूटिंग सीखना है तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सर तो आप कितने साल से कर रहे हैं? 8 ईयर्स से। तो सर आपने कौन कौन से कंपटीशन जीते हुए? नेशनल चैम्पियनशिप पार्टिसिपेशन 4th प्लेस एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल। अच्छा,
इंटरनेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। सर अभी कितना टाइम लगता है लाइक सीखने में अगर आपके पास प्रैक्टिस करे कोई तो? डिपेंड ऑन उसके स्ट्रेंथ और वो सारी चीज़ें। माइंड टोटली माइंड गेम है, 90% माइंड गेम है, 10% टेक्निकल है। जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना वो अच्छा परफॉर्मेंस। सब कंसंट्रेशन का गेम है मतलब बेसिकली। डेफिनेटली। तो मतलब एक साल में कोई अगर आए तो सीख सकता है ना अगर अच्छे से प्रैक्टिस करे तो। तो इसकी टाइमिंग क्या है सर क्लासेस की? मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 9 o'clock तक। अच्छा मतलब कंटिन्यूसली। और आप यहाँ रहते हैं क्या जी? अच्छा अच्छा। बुलेट्स जो कौन सा वाला यूज़ करते हैं सर इसके लिए? इसके लिए पैलेट यूज़ होते हैं। अच्छा पैलेट्स यूज होते हैं। तो जो ओरिजिनल जो गन शूटिंग करते हैं तो प्रैक्टिस इसी में करते हैं और बाद में? ना ना ये डिफरेंट इवेंट है। अच्छा ये इवेंट वाइज अलग 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 इवेंट होता है। 50 meter इवेंट अलग होता है, 10 meter अलग होता है, 25 meter होता है, 300 meter होता है, बिग बोर इवेंट होता है। मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है तो सर आज मुझे कुछ ट्राई करना है कि कैसे चलाते हैं। एटलीस्ट एक बार देखना चाहूँगा क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा कि यहाँ से कुछ दिखेगा बिकॉज बहुत दूर है ये चीज़। तो ट्राई करते हैं एक बार और देखते हैं कैसे होता है। पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रिप हम किस तरह से होल्ड करते हैं? पहला पॉइंट ये होता है यहाँ से फर्स्ट ग्रिप होता है, सेकेंड यहाँ से होल्ड होता है, थर्ड यहाँ से। इस तरह से ग्रिप होल्ड करना है, ग्रिप प्रॉपर स्टिफ मतलब इस तरह से ग्रिप होल्ड हो जाती है। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो ये गिरेगा। तो ये तीन जगह से होल्ड होता है ग्रिप और पोजीशन होता है दोनों लेग हमारे पैरेलल होने चाहिए शोल्डर लेवल पे और इस तरह से होल्ड करना है। इसमें दो पार्ट्स, बैक साइड यू, बैक साइड यू, फ्रंट साइड टिप, इन दोनों को अलाइनमेंट करना पड़ता है और डब्लू बनाना पड़ता है 6 o'clock पे। ये टारगेट है इस तरह का। इसमें ये 12 o'clock होता है, 9 o'clock, 3 o'clock एंड 6 o'clock। तो हमें 6 o'clock पे एम करना है, जो ब्लैक सर्कल है उसके नीचे में 6 o'clock। अच्छा 6 o'clock पे एम करेंगे तो ब्लैक सर्कल में अच्छे से लगेगा। तो और एमिंग जो हमारी पोजिशन रहती है यहाँ हम रखते हैं, यहाँ से लोड कर और वो बैक साइड और फ्रंट साइड टिप को अलाइनमेंट करके शूट करते हैं। अच्छा। सर इतने दूर का कुछ दिखेगा भी क्या कुछ है? पता कैसे चलेगा सर कौन सा इसमें आपका कौन सा लगा? ये लगा। अच्छा 8 number पे लगा? नाइन। अच्छा 9 पे, 9 की रिंग को टच करता है। नाइन का रिंग। अच्छा अच्छा। तो ये इस पे लगाना बहुत डिफिकल्ट होता होगा सर। हाँ। दिस वन पर कौन सा लगेगा? एक्चुअली इसमें से ये अप एंड डाउन करके लेफ्ट राइट के लिए सारा। अच्छा। आप ट्राई करो। पता नहीं बाहर ही लगेगा मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये ऐसा ऐसा पोजीशन रहेगा पहले जस्ट एक बार होल्ड करके देखना। ये हाँ जेब में नीचे जी इसको जेब में लगा क्या? अरे लगा 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 कम से कम उसके इसमें तो आए एक गाइस। ये जो है ये पैलेट बोलते हैं इसको, इसी से लाइक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद इसमें अच्छे से दिन भर में तो सर जैसा बता रहे थे एटलीस्ट 2-3 hours प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो सर गन्स के बारे में कुछ बताइए ना बिकॉज बहुत अलग अलग गन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इसमें एयर ये जो इवेंट होता है 10 meter एयर राइफल और एयर पिस्टल का होता है। ये ओलंपिक्स वगैरह में इंटरनेशनल नेशनल चैम्पियनशिप में ये इवेंट होता है। इसमें जो पिस्टल होती है पिस्टल लाइक 10 meter की होती है। ये स्टायर LP10 स्टायर कंपनी की है, वॉल्थर की है, मोर्नी की है, पार्टनी है, ऐसे काफ़ी ढेर सारी कंपनी है। स्टार्टिंग रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? अप्रॉक्स 1,30,000 के करीब से स्टार्ट होता है। अच्छा मतलब ये पिस्टल भी 1,00,000 के ऊपर गई? 1,30,000 मतलब ये स्टार्टिंग रेंज है। या
अच्छा अच्छा इसमें आते हैं बेसिक मॉडल आते हैं जो 60,000 के आते हैं लेकिन वो अच्छे ब्रांडेड नहीं डिपेंड ऑन एक्यूरेसी और जितना आप कॉस्टली खरीदोगे उनका एक्यूरेसी लेवल उतना बढ़ता है सर और वो जो बड़े वाले गन्स दिख रहे हैं सर वो राइफल होते हैं ये राइफल वो वॉल्थर फेनरबॉम इस तरह के राइफल्स आते हैं तो ये और ज़्यादा कॉस्टली होते होंगे ना सर हाँ अप्रॉक्स ये 1,31,000 से स्टार्ट है अच्छा अच्छा ₹2,00,000, ₹2,04,000, ₹3,00,000 तक है एयर के वेपन अभी सर अभी नए हाल ही में वॉल्थर ने लॉन्च किए तो सर मतलब जितना एक्यूरेसी रहेगी उतना महंगा रहेगा और वेट्स भी अलग है एडजस्टेबल एडजस्टमेंट काफ़ी सारा रहता है राइफल्स में बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कस्टमाइज कर या कस्टमाइज कर सकते हैं तो सर इसका मतलब वेट्स भी अलग अलग रहते हैं कि कॉस्टली होंगे वेट बढ़ा सकते हैं ISSF रूल्स के हिसाब से 5.5 kg के ऊपर वेट नहीं कर सकते हैं जो भी वेट रहेगा 5.5 kg के नीचे ही रहता है अच्छा सर मतलब लाइट वेट रहने से अच्छा परफॉर्मेंस होता है या हैवी वेट डिपेंड ऑन शूटर्स के ऊपर कि उसे लाइट पसंद है या हैवी अच्छा मतलब उसके स्ट्रेंथ के ऊपर भी और बैलेंसिंग होता है राइफल का ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी मतलब वेट लगा दिया और खेल लिया ऐसा नहीं होता उसका बॉडी टेक्सचर के हिसाब से बॉडी पोस्चर के हिसाब से हम वेट बैलेंस करते हैं राइफल का अच्छा देन फिर मतलब उसे कितना सूट कर रहा है कितना सूट करता है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से अगर एक कोई जिसको सीखना रहेगा एक दो साल अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो शायद ठीक हो सकता है हम लोग बेसिकली क्या करते हैं हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है कि हम 1 year तक कोई टूर्नामेंट पार्टिसिपेट नहीं कराते अच्छा हमारा ट्रेनिंग चलता है आफ्टर उसके बाद ही हम लोग उन्हें पार्टिसिपेट अगर उस लेवल पे वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो ही हम लोग फॉरवर्ड करते हैं अदरवाइज हम उसे और वेट मतलब जब हाँ जब तक वो परफेक्शन मतलब एक अच्छे लेवल पे ना पहुंच जाए एक अच्छे स्कोर पे ना पहुंच जाए तब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो सर जैसे कितने आज की प्रैक्टिस रोज की डेली की चाहिए अप्रॉक्स 3-4 hours 3-4 hours की प्रैक्टिस करने से अच्छा बन सकते हैं नहीं डिपेंड ऑन कि वो 100% अगर 1.5 घंटा भी देता तो सफिशियंट उसके माइंड 100 उसका माइंड 100% वहाँ पे होना चाहिए और बहुत पेशेंस का गेम है लाइक प्रॉपर तरीके से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके तो शायद मैं सर के पास और एक बार आऊँगा कि सर मुझे एक बार और अच्छे से सिखाइएगा ताकि मैं 2-3 घंटा लेके आऊँगा सर आज बिजी है तो ये जा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो सर मेरे को एक बार अच्छे से कराइए कि एटलीस्ट ब्लैक के आसपास लगे तो भी मुझे खुशी होगी तो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर से और लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं सब लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज बहुत आवाज़ आती है हम लोग जब ब्लॉक करते हैं तो मिलते हैं थोड़ी देर से तो सर अभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाले हैं सर क्या बता रहे थे आप ये इलेक्ट्रॉनिक टारगेट सिस्टम है स्विज एस्पर इस पर आप जहाँ शूट करेंगे अच्छा सामने सेंसर लगा होता है वह यहाँ पर डिटेक्ट करता है कि आपने क्या शूट किया अच्छा, हुआ तो वहाँ है अगर शूट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाएगा या डेफिनेटली और वो जो होता है पेपर टारगेट पे यूज़ होता है उसमें आप शूट करेंगे तो आपको बुलाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसमें अच्छा। आप डेसिमल में भी देख सकते हैं स्कोर क्योंकि राइफल में जो इवेंट होते हैं वो डेसिमल में होते हैं उनके पॉइंट्स डेसिमल में काउंट होते हैं और पिस्टल के होल पॉइंट्स में काउंट होते हैं सर इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है कि ये वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले में इसमें करेक्ट शॉट मतलब पॉइंट्स 10.9 हाईएस्ट स्कोर होता है वन शॉट में तो सबसे मतलब टॉप जितना भी 10.76 10.5 वो मैनुअली आप काउंट नहीं कर पाते हो तो ये एकदम परफेक्ट आपको बताता है मतलब यूजुअली यही वाला या डेफिनेटली और इसमें आपको मैन पावर कम लगता है इसमें टोटली अपने आप काउंट हो जाता है स्कोर टोटल स्कोर दिखाता है सारा चीज़ें आपका सीरीज वाइज दिखाता है उसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है अच्छा सर जो इवेंट्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल नेशनल चैम्पियनशिप में यही यूज होता है लेकिन इवन के लिए वो वाला करते हैं इवन ओलंपिक्स में भी यही यूज होता है हाँ और प्रैक्टिस के लिए नॉर्मली वो वाला भी आजकल तो सब जगह यही लगा अच्छा रहता है मतलब पूरा हाईटेक तरीके से बनाया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर बना हुआ है सर इसका कुछ तो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी दिखाते हैं तो गाइज मेरे साथ है नितेश सर इन्होंने ही मुझे यहाँ पर गन शूटिंग पॉइंट के बारे में बताया था और ये भी नेशनल लेवल चैंप है तो ये सॉरी क्वालिफाई किए हुए हैं नेशनल लेवल तो अभी इस साल आपका प्लान है क्या सर जाने का अच्छा कोच अभी भेजने वाले हैं उसके लिए अच्छा उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितने आवर्स प्रैक्टिस करते हैं सर ये 1 to 2 hours तक होता है बिकॉज इनका भी बहुत अमेजिंग ये पर्सनल कोचिंग भी देते हैं तो अगर आपको बहुत अच्छे ट्रेनर चाहिए जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है तो इनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये मैंने देखा हुआ है मेरे जिम में ही ट्रेन कराते हैं तो जिनको जिनको ट्रेन कराया हुआ है उनकी स्टैमिना बहुत अमेजिंग है मैं देखता हूँ अजिंक्य को जैसा ट्रेन कराते हैं तो उनका एंड्योरेंस लेवल बहुत अमेजिंग बढ़ गया और सर भी बहुत अच्छे से फिटनेस मेंटेन करते हैं आप देख ही रहे होंगे तो थैंक्स अ लॉट सर कि आपने यहाँ आने का मुझे बुलाया इन्वाइट किया थैंक्स अ लॉट मिलते हैं फिर जिम में करते हैं
गाइस डे ख़त्म हुआ, बहुत मज़ा आया शूटिंग रेंज पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं साल भर भी प्रैक्टिस करूँगा तो भी बराबर लगेगा नहीं निशाने पे, बिकॉज बहुत ही दूर था डिस्टेंस, बट मैंने ट्राई किया, मुझे उसी में बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है कि 100 kg का स्क्वाट करना इससे ज़्यादा आसान होगा, बिकॉज जब भी आप गन पकड़ते हो तो गन एकदम स्टेबल होना चाहिए। मेरे तो हाथ ही काँप रहे थे पहली बार जो यूज़ कर रहा था। एनीवेज आपको भी वीडियो देख के मज़ा आया होगा, अगर आया है तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।